नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। वैश्विक महामारी के चलते गरीब, असहाय व मजदूरों के लिए कैसी मदद की जा रही है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी ने आज बात की है भवानीगंज वार्ड के पार्षद संतोष कुमार राय से। जी हाँ, धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, उस दिन से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भवानीगंज वार्ड में, जहाँ का मैं पार्षद हूँ, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी गरीब है उनको चिन्हित करते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था कराते हैं, अपने पास से भी करते हैं, नगर निगम द्वारा भी, अक्षय पात्र संस्था जो है उनके द्वारा भी, कुछ लोगों का 150 लोगों का राशन आता रहता है, मतलब पका हुआ खाना आता है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं अपने वॉलेंटियर के जरिए। अपने लड़के लगा रखे हैं, वो लोग लगातार किसी भी साधन पे लाद के ले जाके उनके घर घर उनको खाना पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा जो भी हमारे अपने NGO के माध्यम से कम से कम हमने 350-400 पैकेट बनवाए थे, कुछ हमारे भाजपा के नेता उन्होंने मुझे दिया था, उसको भी मैंने बंटवाया। उसके अलावा आदरणीय सांसद जी माननीय जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे आदरणीय धीरा सिंह के जरिए हमको 25 पैकेट मिले थे, जिनको मैंने क्षेत्र के गरीब लोगों को, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को भी दिया, क्योंकि वो कार्यकर्ता भी जरूरतमंद है, उनका भी समय काम नहीं चल रहा है। इस तरह लगातार हम लोग करा रहे हैं। वार्ड में नगर निगम की तरफ से जो सैनिटाइज की व्यवस्था कराई गई थी, 3 बार मैंने अपने वार्ड को लगातार टैंकर के माध्यम से सैनिटाइज कराया। उसके अलावा 2 मशीनें उन्होंने मुझे छुट्टी दी है, पहले की थी तो मैंने और रिक्वेस्ट करके मांगी, तो 2 मशीनों से मैं अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, क्योंकि कोई आदमी उन्होंने नहीं दिया है, तो अपने कार्यकर्ता के जरिए रोज मैं हर दूसरे दिन सैनिटाइज कराता हूँ किसी गली किसी मोहल्ले को, और अगर कहीं से कंप्लेन आती है तो उसको भी कराता हूँ। साफ सफाई पे मैंने ज्यादा और पहले से ज्यादा वो कर दिया है, अपने इंस्पेक्टर को, अपने सुपरवाइजर को कह रखा है कि साफ सफाई में किसी भी तरीके की कोताही ना बरतें, जहाँ भी अगर साफ काम ना हो रहा हो उसको दोबारा कराएं। क्या इसमें आपको विभागीय सहयोग मिल रहा है पूरी तरीके से? देखिए, विभागीय सहयोग तो अब क्योंकि महामारी का समय है और मैं जानता हूँ कि अधिकारियों भी बड़ा बर्डन है, वो लगातार भाई दौड़ते भागते हैं, कभी कभार लोगों के फोन नहीं पाते, उसकी तकलीफ होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ सकता हूँ भी कहीं ना कहीं व्यस्त हूँ तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन मुझे एक कंप्लेंट ये है कि जो हमारे ADM प्रशासन है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि लगातार लोगों को राशन की दिक्कतें हो रही हैं, और जो ऊपर से पेपर सब किया जाता है कि पार्सल बांटेंगे पार्सल देंगे, इस तरीके का एक वो प्रेशर आता है, तो पब्लिक हम लोग के पास पूछते आती है, क्योंकि वो हमारे ही पास आती है, वो किसी के पास नहीं जाती, वो पार्षदों के क्षेत्र के पार्षद के पास जाती है, तो हमें दिक्कत ये आ रही है कि जो राशन कार्ड हम लोग बनवा रहे हैं वो जल्दी नहीं बन पा रहा है, जबकि उसमें कहा गया कि 3 दिन में अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कराएं तो 3 दिन में। आज मैं आपको बताऊं कि मैंने कम से कम 100 राशन कार्ड मैंने यारों को नगर निगम के मार्फत भिजवाए, कुछ डायरेक्ट भी दिए, लेकिन अभी तक उसमें से 20 ही राशन कार्ड बन पाया। कई बार मैंने ADM प्रशासन से बात करनी चाहिए, ADM सिविल से, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सारे विधायक, सारे मंत्री लगातार इस काम पे लगे हुए हैं, देश के रक्षा मंत्री होने के नाते इतने गंभीर उस पर रहने के नाते भी, सांसद जी भी लखनऊ की चिंता करते हैं, हमारे महानगर के अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी भी चिंता करते हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी भी, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी भी चिंता करते हैं, हमारे आदरणीय महापौर जी भी चिंता करती है, तो मैं अधिकारियों से कहना चाहूंगा, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने कार्य को ईमानदारी से और समयबद्ध चरण तरीके से करें, ताकि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही जितनी उतनी जवाबदेही उनकी भी है, काम उनको करना है, हमें तो उन तक चीजों को पहुंचाना है। और मुझे बड़ा तकलीफ होती है कहते हुए कि हम लोग दिन दिन भर काम करते हैं और वो लोग काम तो करते हैं, लेकिन अगर काम उसका धरातल पर नहीं हो रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो उनके काम करने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों की बात को सुने, क्योंकि पार्षद ही एक ऐसा वो है जिससे हर आम व्यक्ति, हर वार्ड का रहने वाला, नीचे तबके तक रहने वाला आदमी डायरेक्ट पहुंचता है, और जब हमारे हमसे उसको काम नहीं उसका हो पाता है तो हमें खुद पीड़ा होती है कि हम उसका काम नहीं करा पा रहे हैं। आप भी जानते हैं लॉकडाउन है तो हम लोग घर से नहीं जा पा रहे हैं, जो कोशिश करते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले पहुंच के काम करें, लेकिन अगर अधिकारी अपना काम नहीं करेगा तो उस काम को कैसे पूर्ण कर पाएंगे। तो यही निवेदन है कि अधिकारी अपने काम को चरणबद्ध तरीके से करें, ताकि जनता को ज्यादा लाभ मिल सके और पार्टी की और अच्छी छवि बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। हमारे साथ थे पार्षद संतोष राय जी, जहाँ ये किस प्रकार से अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं इन्होंने वो बताया, और जहाँ पर कमियाँ आ रही हैं उस चीज को भी इंगित किया। समझते हैं इस चीज को, देखने वाली बात होगी कि शासन क्या इस मामले में रुख लेता है और किस प्रकार अधिकारी को निर्देशित करता है कि वार्ड की जनता को और पूरे क्षेत्र की जनता को इससे निजात मिले और सभी लोग अपना कार्य समझते हैं।